लवली गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज सुबह ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सीरियसली बाहर बारिश भी हो गई है लेकिन थोड़ी सी है ना कीचड़ कीचड़ सी हो गई है, पर अच्छा लग रहा है, मौसम साफ है और ठंडक भी हो गई है। जैसे दो तीन दिन से इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और सफोकेशन भी इतनी हो रही थी, मतलब ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी। अब जा कर के मौसम अच्छा हुआ है और देखते हैं शाम तक क्या कंडीशन रहती है, दिन तक, बल्कि शाम तक नहीं बोलूँगी, दिन तक। और बस अभी हमारी चेरी मैडम भी उठ गई है मम्मा के साथ में और मैं अपनी जो मॉर्निंग टी होते हैं ना उससे शुरुआत कर रही हूँ। वहाँ पे गैस पे चाय बनने रख दिया मैंने क्योंकि ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा भी इस टाइम पर सर में दर्द हो रहा है थोड़ा सा। और ये था वीडियो ब्लॉग, मतलब अपलोड करने के बाद ना सीधा बस मैं चाय बनाने रख दी मैंने, तो वीडियो भी अभी अपलोड हो गई है, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा आप लोग। और बस मैं भी अपनी मॉर्निंग टी से शुरुआत करती हूँ, उसके बाद अपना काम। और यहाँ पर मौसम अच्छा हो गया था तो मैंने सोचा चलो बेसन घोल के रख देती हूँ, तो यहाँ पे 15-20 मिनट पहले मैंने बेसन घोल दिया था। तब तक मैंने अपने जो भी काम वाम था सारा पूरा कर लिया, नहा भी ली थी उससे पहले और बेसन बेसन घोल कर रख दिया था मैंने 15-20 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाल दी और अभी अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन से क्या होता है कि जो ये हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना, जो भी तला भुना बनाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी आ जाती है। और बस अभी यहाँ पर मैंने वो तैयारी भी कर ली है और एक तरफ मैंने यहाँ पर प्याज के जो है ना लच्छे भी काट करके रख दिए हैं। और यार मतलब मुझे प्याज के ना लच्छे इतने अच्छे से काटने नहीं आते हैं, मुझे नहीं पता कि प्याज के जो पकौड़े हैं ना वो एग्जैक्टली ही राउंड कैसे शेप में आ जाते हैं, पर मैंने कोशिश करी फिर भी। और एक साइड में मैंने आलू के बिल्कुल पतले पतले स्लाइसिस काट लिए हैं यहाँ पर, और देख रहे हो अभी आप कितने पतले काटे हैं मैंने। और यहाँ पर बस ये भी रेडी हो गए हैं और यहाँ पर मेरा कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है, तो बस अभी पकौड़े बनने की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं कम तेल में ही बना रही हूँ क्योंकि ये ना ज़्यादा तेल है ना फिर एक्सेस में बच जाता है ना, बाद में रीयूज़ करने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इतना बार बार यूज़ में नहीं आ पाता। और मैं इसलिए तीन तीन चार चार पकौड़े करके तल रही हूँ। और यहाँ पर चेरी भी परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, रोए जा रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया, इसका सुबह सुबह यही स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर बस देख रहे हो अभी पकौड़े, यहाँ पे मैंने आलू के तो इस तरह से जल्दी जल्दी तल लिए हैं और अभी बस प्याज के तलने वाली हूँ मैं। और यहाँ पे प्याज के देख रहे हो आप, मतलब सक्सेसफुली हो रहे हैं, जैसे लच्छे बनते हैं ना वैसे ही तल पा रहे हैं वैसे। और बस ये बन के तैयार हैं पकौड़े प्याज के, आलू के और चाय, और हम इंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, आप भी करिए। और अभी मैं सो के उठ गई हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, खाना वाना खा के ना बस यही होता है मेरे साथ में, खाना खा के मुझे नींद आती है ना काम वाम करके, ऐसा लगता है कि बस अब जल्दी से सो जाऊँ। और वही था यार, नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं मुश्किल से ना 7 घंटे, मई 6 घंटे भी, इवन 7 घंटे तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, 6 घंटे की नींद भी पूरी नहीं ले पाती हूँ मैं। कल भी मेरा यही हुआ था, कल भी मैं 2 बजे सोई थी रात को और सुबह फिर उठ गई थी 6 बजे, तो अब आप लगा लो कितना हिसाब, 4 घंटे भी मतलब मुश्किल से सोई। उसके बीच में चेरी भी उठती रहती है एक आध बारी 2 बारी क्योंकि उसको भी भूख लगती है तो उसको भी देखना पड़ता है। और इसलिए दिन में मेरे लिए सोना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 1-2 घंटे ना सही, 1 से 1.5 घंटा तो मैं कम से कम मुझे चाहिए होता है कि मैं सो जाऊँ, तभी मैं थोड़ी फ्रेश हो पाती हूँ। और यही है यार, मतलब पैरों में अभी तक इतना दर्द है ना क्योंकि उस दिन ना कुछ ज़्यादा ही हम लोग वॉक कर लिए थे, काफ़ी पूरा मॉल घूम लिया था हम लोगों ने क्योंकि बहुत ही बड़ा मॉल था, मैंने आपको बताया ना परसों वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी। तो यही है यार, उसी की थकान जो अभी तक उतरी नहीं है कि बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता रहता है तो आराम नहीं मिल पाता। और अभी बस यही है, अभी चाय बना रही हूँ शाम की मैं। और मौसम भी अभी वैसे के वैसे ही, जैसे सुबह हो रहा था बारिश तो हो रही है, जो लगती है ना बारिश हो जाती है ना तो उससे बहुत ज़्यादा कीच हो जाती है, मतलब क्योंकि यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं। और दूसरी बात ये कि जो कूड़े मैंने आपको कल दिखाया, कूड़ा घर में मतलब कूड़े वाली जो गाड़ी थी उसमें इतने सारे कूड़ा पड़ा हुआ था, अभी तक भी उनमें से मतलब लेके जा चुके हैं पर आधा कूड़ा अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ पर, पूरी तरह सफाई नहीं हुई है। और बस यही है यार, अगर साफ़ सफाई रहे ना तो बारिश का मज़ा आता है, अच्छा लगता है बारिश। बाकी बस मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय मैं रखाई हूँ, चेरी का मैंने दूध भी बना दिया है, चेरी जब दूध पी रही है नहीं तो ये दूध छोड़ देती है, इसका दूध पीना जो है ना बहुत कम हो गया है अभी, ये भी दूध बिल्कुल भी नहीं पी रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, तो वैसे ही कुछ खाती नहीं है, ऊपर से दूध भी इसका जो पीती है ना ये
उसमें से भी छोड़ देती आधे से ज़्यादा। कुछ जो चाय के साथ में क्या बनाऊँ, सुबह तो पकौड़े बना लिए थे, अभी जो चिप्स लेकर आए थे हम लोग, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो आपको लास्ट टू लास्ट वीक दिखाया था कि हम लोगों ने शॉपिंग करी थी जब हम सीपी गए थे, तो वहाँ से काफ़ी सारे चिप्स के पैकेट लाए थे, तो मैं सोच रही हूँ उनमें से ही कुछ फ्राई कर लेती हूँ। सुबह से काफ़ी ऑयली हो गया, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पूरा दिन ऑयली खाई जा रही है, पर यार मतलब सर्दी अभी यही है, बारिश का मौसम होता है ना, इन्हीं टाइम पे खाया जाता है, पर हाँ इतना एक्सेस में नहीं खाते हैं हम लोग, कभी कभी एक आध बार चलता है। और यहाँ पर अभी मेरी इवनिंग चाय भी जो है तैयार हो गई है, इवनिंग टी, और इसके साथ में जो मैंने तले हैं वो पापड़ तले हैं, तो यहाँ पर आधी कप हस्बैंड के हैं, बाकी फुल कप मेरी है, और ये पापड़ जो हम लोग बाहर मार्केट से लेकर आए थे और काफ़ी सही तल गए हैं ये भी, और कम ही तले हैं मैंने, पर ये वाला जो है ना कुछ ज़्यादा ही येलोइश में हो गया, क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि रिफाइंड में ही तले जाएंगे, ये ऑयल में नहीं सही से हो पा रहे हैं। अब बस जा रहे हैं खाने। और आज का दिन भी एक बहुत ही स्पेशल गेम के साथ में हम लोग अपना करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम दोनों के पास में बहुत सारा टाइम है, मेरे हस्बैंड के पास में, मेरे पास में भी, तो आज हम दोबारा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जो है एक दूसरे के साथ में खेलने वाले हैं, जो कि अगेन वाइफ वर्सेस हस्बैंड होगा। और ये जो गेम है मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में, कि जो गेम है इसका नाम है पिंग पोंग बॉल्स चैलेंज विथ टिश्यूज़। तो हम क्या करने वाले हैं ना, जो टिश्यू रोल्स है ना उसके जो बीच में गैप होता है उसमें हमें बॉल हिट करनी है, और हिट मतलब उसके अंदर हमें डालनी है, और डिस्टेंस पर मतलब कि एक टिप दे करके उसके बाद हमें वो बॉल जो है उसके अंदर डालनी होगी, और जो भी विनर होगा, जो भी जीतेगा वो ऑब्वियसली विनर होगा, और जो हारेगा अगेन वो लूज़र होगा। तो अभी हम लोग यही गेम स्टार्ट करने वाले हैं, और प्रेपरेशंस कर लिया हम लोगों ने, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये गेम, क्योंकि अभी जो है ना हम लोग इसी गेम को शुरू कर रहे हैं, और आप लोग इसी वीडियो को देखते रहो कि हम कैसे अपना गेम करने वाले हैं। तो ये हमारा सेटअप लग चुका है, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए हम लोगों ने ना इसी स्पेस में करने की कोशिश करी है, और ये देख रहे हो आप बॉल्स हमारी यहाँ पर पड़ी हैं, जो हमें यहाँ पर एक यू नो जो कहते हैं ना टिप टप्पा दे करके हमें इन लूप्स में जो इसके गैप है ना बीच में टिश्यू के उसमें अंदर डालना है, और जो भी कर पाएगा वो विनर होगा, और जो नहीं कर पाएगा वो लूज़र होगा। और ये हमने ट्रायंगल शेप में बना लिया है टिश्यू का, और देख लो कितने सारे रोल्स हम लोगों ने ऐसे रख लिए हैं, और बस अभी स्टार्ट होने वाला है हमारा गेम, तो लेट्स टॉस द गेम। तो टॉस करते हैं पहले, जिसका भी आएगा वो पहले एक चांस अपनी करेगा। हेड मेरा, टेल आपका, ठीक है। पहले आया है हेड, तो अभी मैं खेलने वाली हूँ सबसे पहले, और देखते हैं कौन विनर होने वाला है। तो ये 12 बॉल्स हैं छोटी छोटी, जो कि छोटी सी कटोरी के अंदर है, और मुझे यहाँ पर एक टिप देकर के इन टिश्यूज में डालनी है, टिश्यू के जो गोल्स हैं उसके अंदर में डालनी है ये, और इतने डिस्टेंस है मेरे और टिश्यू के बीच में, और देखते हैं कि मैं जीत पाती हूँ या नहीं। नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बॉल जो है मेरा निशाना जाने वाला है सीधा, और मैं बिल्कुल सीधी बैठी हूँ, मैं कुछ चीटिंग नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत यू नो ऐसे देख रहे हैं कि मैं चीटिंग ना करूँ। पहली भी आ रही है मछली की आंख में मारती है, और ये मेरा निशाना जाएगा वाली से, वाली से पता नहीं है कौन सी वाली आंख होती है, पर मैं ये वाली यूज करती हूँ। नहीं जाएगी। अभी मेरी बारी है।
यहाँ पर मेरी बॉल्स गई हैं सिर्फ ये दो टिश्यू के अंदर में। धोखा दे दिया इन बॉल्स ने मुझे, इनको मैं यहाँ से बॉयकॉट करती हूँ अपने लिए। और अभी जा रहे हैं पहले हस्बैंड की टर्न करने, और अभी टर्न है पति देव जी की, सीधा बैठना है बिल्कुल, और आपका टाइम शुरू होता है 1 2 3 स्टार्ट। वो आपको देखना है मेरी क्या गलती है इसमें। अभी मैं आपको मेरे पति देव है उनकी शक्ल दिखाती हूँ कि कैसा फील कर रहे हैं, भी दिखाती हूँ। बेटा इसे कहते हैं टाई अप। मैंने टाई अप करा हुआ था बॉल्स के साथ में कि अगर तूने मुझे जिता दिया ना तुझे हमेशा अपने पास रखूंगी, अदरवाइज तुझे बॉयकॉट कर दूंगी। तो बेचारी डर गई थी कि नहीं यार, कि हमें कामनी के साथ रहना है और हमें बॉयकॉट मत करना। तो और अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल के लिए खाना बनाने के लिए, पति देव तो कभी खिलाने से रहे, हम ये बना लेते हैं अपने आप से। और जा रही हूँ यार किचन में दाल रोटी और चावल बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अरहर की दाल रोटी और चावल। अभी दादी के घर से आई है और कितनी सुंदर लग रही है ना चेरी, ये चेरी की जो फ्रॉक है ना ड्रेस, ये दादी ने डिज़ाइन करी है चेरी के लिए घर पर, और बहुत ही प्रिटी लग रही है चेरी। और बस यहाँ पर अपनी वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, स्पेशली जो हम लोगों ने गेम प्ले करा मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो उसके रिलेटेड अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर करना चाहते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर न्यू है चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो क्या करना है आपको, चैनल सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा बाय हिटिंग बेल आइकन, सो दैट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेटेड वीडियोज मिलती रहे। और चेरी जो है ना बहुत परेशान कर रही है, सो सोने का है बस अब। और ब्लॉग को अपनी यही एंड करती हूँ मैं तो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।